जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर कौन सा होगा? 4th। ध्यान से देखिए, चैप्टर फोर्थ और लेक्चर दोस्तों कौन सा है? लेक्चर भी दोस्तों हमारा है 4th। क्या नाम है चलो दोस्तों चैप्टर 4th का? ध्यान देखिए, पूर्ण संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं दोस्तों, अभी तक आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो कुछ मैंने सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे चैप्टर वाइज दोस्तों आपको लेक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन को प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आप सभी मित्र हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। दोस्तों आप संख्या को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाइए। देखो दोस्तों आप लोगों की संख्या बहुत कम संख्या में क्या हो रही, बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आप लोग शेयर तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। जितने लोग दोस्तों इस वीडियो को वॉच करते हैं, सब लोग कोशिश किया करें हर वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर किया करें, जिससे दोस्तों संख्या जब बढ़ती तो मेरा भी मनोबल, मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं, और मेरा भी मन लगता है कि हाँ अपने भाई बंधुओं को मैं अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड कराने का कोशिश करूं, जिससे आप अच्छे से तैयार कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि हर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करेंगे। ठीक दोस्तों, अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल मैंने 26 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, 26 प्रश्न हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न क्या कौन सी 27। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर दोस्तों घटाना, और संख्या रेखा पर दोस्तों क्या गुणा सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, और दोस्तों योग का तत्समक अवयव क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, एंड गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, खासकर दो टॉपिक योग का तत्समक अवयव और गुणन का तत्समक अवयव। हर बार ज्यादातर दोस्तों इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए हेडिंग पहली दोस्तों डाल लीजिए, संख्या रेखा पर योग। ध्यान से देखिए, संख्या रेखा पर दोस्तों योग कैसे करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा कौन सा हो गया 27, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 27 है। दोस्तों आपसे कह रहा है तीन तथा चार का योग संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए कितना आसान है, क्या कह रहा है, कह रहा है तीन तथा चार का योग संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक दोस्तों, ध्यान समझिए कैसे बनाएंगे संख्या रेखा को। तो तीन प्लस चार का योग दोस्तों हमें संख्या रेखा पर दिखाना, और कितना होगा दोस्तों वो बताना हमें। ध्यान समझिए, ये दोस्तों हमारी एक हो गई संख्या रेखा,
ठीक, ध्यान से समझिए, 3 + 4 का योग संख्या रेखा पर दिखाना दोस्तों। तो यहां पर मान लेते हैं इधर 0 है क्योंकि सारे प्लस के हैं। क्या किसका पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया करना है? पूर्ण संख्याओं को दोस्तों संख्या रेखा पर दिखाना है। चैप्टर का नाम क्या है? पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया करें दोस्तों। तो पूर्ण संख्याओं को दोस्तों हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक दोस्तों। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहां तक? अनंत तक। जितनी भी संख्याएं दोस्तों होती है हमारी, कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसलिए दोस्तों हम 0 लिख रहे हैं, इधर नहीं लिख रहे, मैं इधर का लिख रहा हूं, जरूरत हमको इधर की है, इसलिए आप इधर ना लिखे, डायरेक्ट आप इधर लिख सकते हैं, तभी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों 0 फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों हमारा ऐसे कट कर लीजिए, बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए इस तरीके से दोस्तों। क्या बराबर बराबर दूरी पर आप कट लगा लीजिए, ठीक, इस तरीके से मैंने बराबर बराबर दूरी पर कट लगा लिया। आप पटरी से जब बनाएंगे, ठीक है, वैसे तो आप भी अंदाज में बना सकते हैं, यदि आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप उस पर अच्छे से बराबर बराबर दूरी पर उसमें होते हैं खाने। पटरी से बना रहे तो इसे 1 सेंटीमीटर ये लिया, इस यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो फिर दोस्तों यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। ये जो खाने आपको दिख रहे हैं, इन सभी खानों का दोस्तों गैप आपका एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, गैप आपका बदलना नहीं चाहिए, ठीक दोस्तों। अब ध्यान से, 0 हो जाए उसके बाद दोस्तों क्या होगा? 1, फिर दोस्तों 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर दोस्तों क्या होगा? 7, 8, 9 और 10 दोस्तों, बहुत हो गए थे ना, चाहे दोस्तों और भी लिख लीजिए, 11, 12, 13 एंड 14 दोस्तों मैंने ज्यादा लिख दिए। पर दोस्तों आपसे क्या, 3 + 4 का युग दिखाना, 3 + 4 दोस्तों 0, ध्यान समझिए, 0 से चल दोस्तों, क्या 3 + 4 तो 0 से 1, 1, 2, 3 0 से 3 कदम आगे चलेंगे, ध्यान समझिए, 0 से हम चलेंगे कहां तक? 3 तक आ जाएंगे, 0 से दोस्तों कहां तक आ गए? 3 तक आ गए। और दोस्तों अगर +4 है तो फिर 3 से फिर 4 कदम आगे चलेंगे, 3 + 4 तो 3 दोस्तों 3 हो गया, और +4 है तो 4 है, तो 3 दोस्तों 0 से 3 कदम आगे बढ़े, तो 1, 2, 3 क्या? देखिए ध्यान से, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूं, क्या किया दोस्तों हमने यहां, क्या किया हमने जी, 3 + 4 का योग, 3 + 4 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना दोस्तों, तो हमने 0 से 3 कदम आगे चलेंगे। देखिए 1, 2, 3 यानी दोस्तों यहां से क्या, 0 से हमने चलना प्रारंभ किया, कहां तक आ गए? इस 3 तक दोस्तों हमने आ गए। फिर उसके बाद समझिए, फिर +4 का योग, तो यानी कि 3 से फिर दोस्तों हम 4 कदम आगे चलेंगे, कितने? 3 से 4 कदम आगे चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4 कहां से दोस्तों आ गए? यहां से दोस्तों चले कहां तक आ गए? यहां तक, ठीक है। ये दोस्तों कितना हमारा, ये 3 चला जाके यहां दोस्तों कितना, 4, तो 3 + 4 दोस्तों कितना, देखिए यहां से 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां पर दोस्तों? 7 पर पहुंच जाके, कहां पर दोस्तों पहुंच जाके? 7 पर पहुंच जाके। तो दोस्तों यह दोस्तों हमारा 3 + 4 का योग दोस्तों कितना होता? 7 होता, या दोस्तों हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन होगा इस तरीके से दोस्तों। 3 + 4 का योग संख्या रेखा पर दिखाइए, तो दोस्तों इस तरीके से 3 + 4 का योग संख्या रेखा पर दिखाएंगे। बहुत आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर दोस्तों अगला बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 28 आपसे दोस्तों कह रहा है, 5 तथा 8 का योग संख्या रेखा पर दिखाइए, 5 तथा 8 का योग संख्या रेखा पर दिखाई दोस्तों, नीचे लिख लीजिएगा इसमें, पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों अतः करके लिख लीजिए, अतः 3 + 4 = 7 ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप नीचे लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। आप ध्यान समझिए क्या करना दोस्तों, में 5 का 8 का योग संख्या रेखा पर दिखाना दोस्तों, तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक, देखिए ध्यान से, संख्या रेखा दोस्तों बना लिया हमने, यहां पर दोस्तों हमारा 3 है, ये 4, 5, 6, यहां पर दोस्तों क्या था? 7 था,
ठीक दोस्तों, चाहे दोस्तों इधर भी माइनस वन माइनस टू इधर भी लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर या इधर भी लिख सकते हैं, पर खाली मैं पूर्ण संख्याओं को दिखाना इसलिए मैं जीरो के हम इधर ही चल रहे हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा, पांच तथा आठ का योग, यानी कि पांच और तथा आठ का योग कहा, यानी जोड़ने के लिए कहा, तो पांच प्लस आठ लिख लिया, यानी दोस्तों जीरो से कितने कदम चलेंगे, पहले पांच कदम गिन लीजिए, जीरो से दोस्तों पांच कदम चलेंगे कितना होगा, देखिए एक यहाँ जीरो से ले तो एक कदम होगा, फिर दो कदम, फिर तीन कदम, फिर चार कदम, फिर पांच कदम, यानी कि जीरो से हम पांच तक आएंगे, तो दोस्तों क्या होगा, पांच कदम चले, यानी कि जीरो से दोस्तों मैंने चलना प्रारंभ किया, कहां तक आ गए, इस पांच तक आ गए, यानी कि दोस्तों यहां कितना आ गया, पांच तक पहुंच गए। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या, आठ कदम, यानी कि पांच के आगे दोस्तों में आठ कदम चलना है, ध्यान समझिए, पांच के आगे आठ कदम चलेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, कहां तक, तेरह तक आ गए, यानी दोस्तों क्या होगा, यहां से चलना प्रारंभ करेंगे कहां पहुंच जाएंगे, इस तेरह तक पहुंच जाएंगे, ये दोस्तों कितना होगा, आठ कदम हो गए। तो देखिए कितना, जीरो से पांच गए और पांच से दोस्तों तेरह तक गए, यानी कि दोस्तों देखिए तो कितना होगा दोस्तों, कितना मिला, तेरह मिला जाके, यानी कि पांच प्लस आठ का ये दोस्तों कितना होगा, तेरह, या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों ये कितना होगा, ये दोस्तों हमारा पांच तथा आठ का कितना होगा, तेरह होगा, ये दोस्तों हमारा इसका प्रदर्शन होगा, इस टाइप से दोस्तों प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है दोस्तों आपसे, नौ तथा तीन का योग संख्या रेखा पर दिखाई, जैसे जैसे दोस्तों आपने इसको दिखाया है वैसे दिखाइएगा, उसके बाद दोस्तों इस टाइप से आंसर लिखिएगा, अतः करके यहां दोस्तों क्या लिख लेंगे, इसके पहले अतः लिख लेंगे, अतः। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, बस आप लिख लीजिएगा, हाँ सर क्वेश्चन नंबर हमारा 29 हो गया सर, मैंने कर लिया। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 30, ध्यान से देखिए 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है, सुना करो, अब दोस्तों चर्चा करते हैं, जहां आपने संख्या रेखा पर दोस्तों योग किया, अब दोस्तों हम करते हैं संख्या रेखा पर घटाना, संख्या रेखा पर घटाना, क्या करेंगे, संख्या रेखा पर घटाना, प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा का, 30, ध्यान से समझिए, कह रहा है दोस्तों कह रहा है चार में से दो को, चार में से दो को चार में से दो को संख्या रेखा पर दिखाइए, ध्यान समझिए, क्या कहा, चार में से दो का घटाना संख्या रेखा पर दिखाइए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, इसको रब करें दोस्तों, संख्या रेखा यही बनी दे रहे हैं, ठीक है, ये जीरो है, यहां पर दोस्तों क्या था 5, और यहां पर इसको इससे मैच कर देते हैं, और ये यहां पर 12 है, यहां पर 13, ध्यान समझिए, क्या आपसे कह रहा है चार में से दो का घटाना संख्या रेखा पर दिखाइए, ध्यान समझिए, क्या कह रहा है, चार में से दोस्तों चार माइनस दो आपसे कहा, क्या कहा,
चार माइनस दो का, तो दोस्तों आप चार माइनस दो का है तो मैक्सिमम दोस्तों आप पांच तक, कोई जरूरी नहीं कि आप चौदह तक ही बनाए, अब चार में से दो का यानी कि हमें चार तक जाना है तो आप पांच तक बना लीजिए, खाली आप इतने तक बना सकते हैं, चार तक का तो आप खाली यहां तक बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी संख्या रेखा आप दिखाएं, बस सात तक बना लीजिए, छह तक बना लीजिए मैक्सिमम, पांच तक भी बना सकते हैं, इतनी भी बनाकर दोस्तों हम छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी हम बनाए ही बनाए, ठीक है। आप क्या कहा, चार में से दो का घटाना, तो दोस्तों ध्यान समझिए, पहले हम जीरो से चार कदम आगे की ओर जाएंगे, जीरो से चार कदम आगे जाएं, तो देखिए एक दो तीन चार, तो दोस्तों ध्यान समझिए, जीरो से चार कदम दोस्तों हम आगे गए, बात क्लियर हो गया, जीरो से चार कदम आगे गए, तो दोस्तों ये प्लस का चार हो गया, फिर दोस्तों ध्यान समझिए, फिर क्या माइनस टू, यानी कि चार से पीछे की ओर हम दो कदम आएंगे, क्या चार से पीछे, क्योंकि माइनस घटाने के लगा तो जहां तक गए उससे पीछे की ओर दो कदम, तो एक कदम दो कदम, यानी दोस्तों यहां से चलेंगे कहां तक आ जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे ये, तो दोस्तों ये कितना माइनस दो हो गया, माइनस दो हो गया, यानी दोस्तों क्या आ जाके हमारा ये दो प्राप्त हुआ जाके, कितना दो, तो दोस्तों क्या आ गया दो आ गए, अतः चार माइनस दो बराबर दो, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, घटाना वाला प्रश्न दोस्तों संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, नोट कर लिया ना। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 31 कह रहा है, आठ में से तीन का घटाना संख्या रेखा पर दिखाइए, क्या आठ में से तीन को घटाना है, इस बात दोस्तों ध्यान समझिए, इसको रब कर रहा हूं, क्या करना, आठ में से तीन को इस बार घटाना है, तो दोस्तों संख्या रेखा बनाते हैं, ध्यान समझिए, ठीक ध्यान समझिए, कहां से स्टार्टिंग करेंगे, जीरो से, तो यहां जीरो हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या इसलिए बार बार कह रहा हूं, इधर मैं कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर ही लिख रहा हूं, जीरो हो गया, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, और ये दोस्तों पॉइंट किसा समान दूरी पे लेने दोस्तों, सिक्स सेवेंथ और कितना एट्थ, आठ हो गया और नौ हो गया, मैक्सिमम दोस्तों नौ तो चले गए, क्योंकि दोस्तों हमें आठ में से किसको क्या करना, आठ में से तीन को घटाना, तो नौ तो चले गए, एक फालतू बना लीजिए आप, कुछ जरूरी नहीं कि एक ही बनाए, आप दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, लेकिन आप एक बनाइए फालतू, बस काम चल जाएगा आपका। क्या कह रहा है, आठ में से तीन का घटाना संख्या रेखा में से बताओ, तो आठ में से तीन यानी कि आठ माइनस तीन घटाने का, तो यही यानी कि सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान समझिए, पहले हम जीरो से आठ कदम आगे की ओर जाएंगे, क्या पहले हम जीरो से आठ कदम आगे की ओर जाएंगे, ध्यान समझिए कैसे चलते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी दोस्तों जीरो से चले कहां तक आ गए, आठ कदम दोस्तों हम आगे की ओर आ गए यहां तक, ये दोस्तों हमारा प्लस का आठ हो गया, फिर दोस्तों क्या कर घटाने के लिए कह रहा है, इसलिए क्या तीन कदम आठ से पीछे की ओर हम तीन कदम आएंगे, कितने एक दो तीन, यानी दोस्तों यहां से हम चलना प्रारंभ किए कहां तक आ गए, पांच तक आ गए, ये दोस्तों कितना माइनस का कितना होगा तीन, यानी दोस्तों कितना आठ में से दोस्तों तीन जाए कितना बचेगा पांच बचेगा, अतः दोस्तों क्या हो जाएगा, अतः आठ माइनस तीन इक्वल कितना हो जाएगा, आठ माइनस तीन दोस्तों कितना पांच हो गया, यह दोस्तों हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया, और तीर या यदि यहां माइनस आप नहीं भी लगाते हैं, बाई चांस आप यहां माइनस नहीं लगाते हैं, तो आप यही तीर ही दिखा रहा है कि आप आठ कदम आगे गए हैं और तीन कदम आप पीछे आए, यदि आप माइनस यहां ना लगाए, चलिए रहने दे लगाने, खाली आप तीर लिखते हैं, तो इस तीर के माध्यम ये आपको प्रदर्शित कर रहा है, ये जो मैं ये बनाता हूं लास्ट, ये बनाना बहुत जरूरी, यही आपका प्रदर्शित कर रहा है कि हम तीन कदम इधर से पीछे की ओर आए, चलिए रहने दो माइनस नहीं बनाते हैं, हो सकता दिमाग में आएगा सर ये तो पूर्णांक है, क्योंकि अगली संख्या में आपको पूर्णांकों का भी प्रदर्शन करना है, तो खाली आप तीन बनाते तब भी आपका सही है, क्या आता आठ में से तीन बराबर पांच हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों प्रदर्शन करेंगे, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए।
हो गया, नोट कर लिया होगा ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। पिछले वाले भी 200 प्रश्न में आप चाहिएगा तो क्या आप वहां माइनस जो मैंने लगाया उसको हटा सकते हैं, आप डायरेक्ट माइनस हटा ही दीजिएगा, आप डायरेक्ट वहां पर जो नंबर है उसको ही लिखिएगा, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहेगा सर ये तो -3 जो हमारी हो जाएगी कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी, तो इसलिए आप माइनस हटा डायरेक्ट आप सिर्फ पर इसको मत भूलिएगा, ये जरूर आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है 12 में से 7 का घटाना संख्या रेखा पर दिखाइए। दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों आप घर पे कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है जैसे इसको किया वैसे पहले क्या करेंगे 12 कदम दोस्तों आगे की ओर जाएंगे और क्या 7 कदम पीछे की ओर आएंगे, क्या 12 कदम आगे की ओर और 7 कदम पीछे की ओर, तो 12 आगे गए 7 पीछे कितना आ जाएगा 5 कदम बचे हमारे दोस्तों, वही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जैसे यहां पर दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर है 5 आया था वैसे दोस्तों वहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 क्या कह रहा है ध्यान समझिए, अभी तक आपने संख्या रेखा पर क्या जोड़ योग सीख लिया और घटाना सीख लिया, अब दोस्तों गुणा सीखते हैं, इसको रख पा रहा हूं दोस्तों ध्यान से देखिए, संख्या रेखा पर गुणा, ठीक है ये एडिंग डाल लीजिए, कह रहा है 2 × 4 का मान संख्या रेखा पर दिखाइए या बताइए, आपसे जानना है कि 2 × 4 कितना होता है ये आपसे पूछा, वैसे तो आप जानते हैं 8 होता है पर संख्या रेखा पर दोस्तों आपको दिखाना है, ठीक दोस्तों ध्यान समझे कैसे करेंगे, क्या कहा 2 × 4 का मान संख्या रेखा पर दिखाइए, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे एक संख्या रेखा बनाएंगे, वो भी दोस्तों कैसी वाली पॉजिटिव ही बना लेते हैं, तो दोस्तों ध्यान समझिए यहां से क्या यहां से दोस्तों 0 प्रारंभ कर, चलिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां से दोस्तों 0 हो गया, फिर दोस्तों कितना 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 ठीक है दोस्तों इतनी लाइन खींच ली इतने में हमारा काम चल जाएगा, तो क्या कहा 2 × 5 का मान संख्या रेखा पर दिखाइए, क्या 2 × 4 का 2 × 4 का मान दोस्तों में संख्या रेखा पर दिखाना, तो ध्यान से इसका मतलब क्या हुआ 2 2 का गैप करते हुए दोस्तों में कितना 4 बार 2 2 का गैप हम 4 बार करेंगे, क्या जैसे 2 2 का गैप चाहिए कि 2 + 2 + 2 + 2 इसका मतलब ये होगा 2 2 का गैप करते हो कितनी बार 4 1 2 3 4 बार जाएंगे, तो जब भी मल्टीप्लाई लिखा होगा तो जो पहले नंबर उतना गैप करेंगे संख्या रेखा पर, देखिए 2 है यानी कि 2 खाने का गैप करेंगे पहले, तो 1 2 हो गया यानी कि 0 से दोस्तों कहां पर जाएंगे पहले हम 2 पर जाएंगे, ठीक है फिर दोस्तों प्लस फिर 2 करेंगे क्योंकि 2 2 का गैप करते देखिए प्लस 2 किया तो 2 2 का गैप फिर से यानी कि 1 2 फिर 4 पर आएंगे, फिर 202 का गैप करेंगे तो कितना 1 2 6 पर जाएंगे, फिर 202 का गैप करेंगे कहां पर जाएंगे 8 पर जाएंगे, ठीक है तो देखिए पहला कदम 2 का गैप, दूसरे कदम पर फिर 2 का गैप, तीसरे कदम पर भी 2, आगे जब बढ़े तो 2 का गैप, फिर दोस्तों आगे बढ़े 2 का गैप, यानी दोस्तों हम कहां पर पहुंच जाएंगे 8 पर, कहां पर पहुंचे 8 पर, यानी दोस्तों 2 × 4 बड़ा कितना हो जाएगा 8 पर यानी कि 8 अतः फाइनल आंसर क्या गया अतः 4 × 2 = 8 ये दोस्तों हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन, इस तरीके से हम गुणा का प्रदर्शन दोस्तों संख्या रेखा पर करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 34 आपसे कह रहा है 3 × 4
का मान संख्या रेखा पर दिखाई। दोस्तों कैसे करके ध्यान समझिए, तीन गुणे चार का मान दोस्तों हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो दोस्तों सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। वैसे दोस्तों आप जानते हैं तीन गुणे चार कितना होता है, बारह होता, पर इसे संख्या रेखा पर दिखाना हमें। ठीक है, अब ध्यान समझिए कहां से, यहां से जीरो से स्टार्टिंग किया, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, मैंने बताया था जो गैप है समान रखते हैं, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, आपको पता बारह तक जाएगा, इसलिए थर्टीन तक बना लिया हमने। तो तीन गुणे चार यानी दोस्तों क्या करना है, तीन गुणे चार का संख्या रेखा पर रस दिखाना, यानी कि तीन तीन का गैप, तीन प्लस तीन प्लस तीन, क्या तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, कितनी बार, चार बार। तो तीन तीन का गैप करते हुए दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, कितनी बार जाएंगे, चार बार। देखिए जीरो से चलेंगे तो एक दो तीन कदम हो गया, तो जीरो से चलेंगे दोस्तों यहां पर तीन पर पहुंचे आगे, ठीक है। अब फिर इसके आगे तीन चलेंगे, एक दो तीन, तो छह पर चलेंगे, तो तीन से दोस्तों चलेगा यहां पर पहुंचे आगे छह पर, फिर दोस्तों तीन चलेंगे एक दो तीन, तो दोस्तों क्या चलेंगे छह से चलेंगे तो कहां पर आएंगे, नौ पर आए, ठीक है। फिर तीन कदम, एक दो तीन, तो नौ से चले दोस्तों तीन कदम, कहां पर आएंगे दोस्तों बारह। तो यानी दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, तीन इंटू चार का दोस्तों मल्टीप्लाई कितना, बारह होगा, अतः ये दोस्तों हमारा इसका प्रदर्शन हो। चाहे दोस्तों तो हम यहां पर प्लस, जैसे यहां पर कितने कितने कदम आगे बढ़े, तीन तीन कदम आगे बढ़े, तो चाहे तो प्लस थ्री यहां ले सकते हैं, प्लस लगाओ या खाली थ्री ले दो तब भी काम चलेगा, थ्री यहां ले सकते हैं, थ्री यहां ले सकते हैं, थ्री यहां ले सकते हैं, पर नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट थ्री से यहां नहीं लिखें कोई फर्क नहीं, खाली से थ्री हमने लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट आप इस तरीके की संख्या रेखा प्रदर्शन दिखा दीजिए, आपका सही है बिल्कुल। एक नंबर का दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से संख्या रेखा प्रदर्शन सीख लिया है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 35 कह रहे दोस्तों, दो प्लस दो इंटू छ का मान संख्या रेखा पर दिखाई। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 करा, थ्री इंटू फाइव का मान संख्या रेखा पर दिखाई। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों गुणा से, जो संख्या रेखा पर गुणा का प्रश्न दो प्रश्न पूछे, इन दोनों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए रब करते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शन अच्छे से सीख लिया है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं योग का तत्समक अवयव, ऋण डाल लीजिए, योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव दोस्तों लिख लेते हैं, फिर दोस्तों चर्चा करते हैं। किसी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में शून्य को, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर दी गई संख्या में, या संख्या में खरीद सकते हैं, संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात अर्थात शून्य मतलब क्या, जीरो, जीरो को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहा दोस्तों, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता,
किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर पूर्ण संख्या में, चाहे तो यहां संख्या लिख दिया हमने, चाहे तो यहां पूर्ण संख्या लिख सकते हैं या दी गई संख्या लिख सकते हैं, में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। आपके एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो आप लिखेंगे शून्य, योग का तत्समक अवयव हो, क्या होगा शून्य, तो जीरो होता दोस्तों। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास पांच क्या है, हमारी एक पूर्ण संख्या है, पांच में दोस्तों हम जीरो का ऐड कर दे तो पांच ही तो रहेगा, संख्या में क्या कोई परिवर्तन आया, जैसी संख्या थी वैसी ही संख्या है। जैसे आप कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे हम 10 ले लेते हैं, 10 में दोस्तों जीरो को ऐड करेंगे, जब 10 को जीरो में ऐड करेंगे तो 10 ही तो रहेगा, क्या 10 में कोई परिवर्तन आया, नहीं कोई भी परिवर्तन नहीं आया। यानी दोस्तों क्या, जीरो ऐड करने पर पूर्ण, किसी भी पूर्ण संख्या और ले लीजिए, 12 लेते हैं, 12 में जीरो को ऐड करते हैं, तो 12 में जीरो ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या 12 ही तो आएगा। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम जीरो को ऐड करेंगे उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तत्समक मतलब ही क्या, तत्समक अवयव का मतलब भी है कि ऐसी संख्या यदि हम पूर्ण संख्या में जोड़ दे कि उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उस संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। नहीं बात समझे क्या, हम कोई ऐसी संख्या ले लें, ऐसी संख्या दोस्तों कौन सी, ऐसी संख्या जिसे क्या कर रहे हैं, हम दी गई संख्या में जोड़ दें जिससे उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे दोस्तों योग का तत्समक अवयव कहते हैं। दोस्तों हमने क्या किया, जीरो दोस्तों हमारे पास जो हमने यहां पे बारी बारी से जीरो जोड़ा, दोस्तों ये जीरो ही दोस्तों हमारा का योग का तत्समक अवयव है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने योग का तत्समक अवयव अच्छे समझ लिया होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि निम्नलिखित में योग का तत्समक अवयव जीरो वन टू या अनंत, तो आप याद आएंगे उसमें कौन टिक करेंगे, जीरो। ठीक है, अगली दोस्तों हेडिंग देखते हैं, ध्यान समझिए, गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव। दोस्तों ध्यान समझिए, किसी पूर्ण संख्या में एक को, ध्यान समझिए, किसी पूर्ण संख्या में एक का गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ना समझे, अर्थात एक को, एक यानी कि वन, एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या, किसी पूर्ण संख्या में एक का गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या ऐसी, क्या यदि हम पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो दोस्तों ऐसी संख्या को दोस्तों हम क्या करते हैं, गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या, एक बात दोबारा सुनिए, क्या पूर्ण संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो दोस्तों उसे हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे हम ले लें कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे पांच ले लेते हैं, पांच में दोस्तों यदि हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच इंटू एक दोस्तों पांच ही तो रहेगा, कोई प्रभाव क्या पांच में पड़ा, नहीं पड़ा। जाके जैसे हम ले लेते हैं चार ले लेते हैं, चार में दोस्तों हमने एक से मल्टीप्लाई किया तो चार इंटू एक दोस्तों क्या चार ही रहेगा, कोई प्रभाव पड़ा। जैसे हम 35 ले लेते हैं, 35 में दोस्तों हमने एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 ही तो रहेगा, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी दोस्तों क्या कहलाएगा, एक दोस्तों जो हमारा ये होगा, यह दोस्तों एक ही हमारा गुणन का तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख चुके होंगे। आपके पेपर में पूछता है कि गुणन का तत्समक अवयव जीरो वन टू या अनंत, तो आप क्या बताएंगे, गुणन का तत्समक अवयव पूछेगा तो अनंत, उस पर एक पे क्लिक करेंगे, और जोड़ का दोस्तों पूछेगा तो जीरो पे क्लिक करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।